पाने के लिए कितने परवाने जले, राज ये पाने के लिए शम्मा जलने के लिए है या जलाने के लिए। ये एक शेर है, किसी दोस्त ने खत में लिख के, उस वक्त खतों का दौर था, मोबाइल टच नहीं थे, इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। ये शेर हमारे यहाँ प्रोफेसर थे हमीदुल्ला अफसर साहब, जो यहाँ साइंस पढ़ाते थे बीएससी में, मैं यहाँ कॉमर्स का स्टूडेंट था। ये शेर लिखने का और सुनने का उसको बड़ा शौक था। ये शेर मैं लेके गया उसके पास, उसको ये शेर सुनाया, उसने शेर को बड़ा पसंद किया, लेकिन अपने लफ्जों में और अपनी शायरी में अगले दिन इसका जवाब भी लिख के लाए। तो उनका जवाब यूं था, वो मुझे बहुत याद आते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बहुत शफकत दी, मोहब्बत थी। मैं कॉमर्स का शागिर्द था, लेकिन बीएससी के लेबोरेटरी में घुसता था, वहाँ प्रैक्टिकल करता था, तो बार बार मुझे कहते थे कि तारिक तू साइंस का स्टूडेंट क्यों नहीं बना। बहरहाल किस्मत की बात है, तो उसने शायरी का जवाब यूं दिया कि ये सुनते ही एक परवाने ने जान दे दी। अब ये प्रोफेसर हमीदुल्ला अफसर के लफ्ज हैं, शायरी हैं, उसके कलमात हैं। ये सुनते ही एक परवाने ने जान दे दी कि शम्मा न जलने के लिए है न जलाने के लिए, शम्मा इल्म है जहल को मिटाने के लिए। उस शख्स को हम सलाम पेश करते हैं, उसके कॉलेज के लिए बड़े खुदमात हैं, वो मेरे जहन से उतरता ही नहीं है ये शख्स। तो दोस्तों 2020 के फरवरी में हमने एक दूर दराज गोट के इलाके से मंशियात के खिलाफ एक जदोजहद शुरू की। उस जदोजहद में हम समझते हैं कि हम मंशियात को शिकस्त दे सकते हैं, और तकरीबन जहां तक हमने जो कारकर्दगी डिस्ट्रिक्ट मलीर में पेश की है, हम समझते हैं कि हम फतेह की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दुनिया कहती है कि कोई मंशियात को खत्म नहीं कर सकता, कोई मंशियात को शिकस्त नहीं दे सकता, तो हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास नतायज हैं, हमारे पास रिकवरी है। 2 साल में हम 300 नौजवानों को मंशियात के लत से छुड़ाकर एक नई जिंदगी के सफर में गामजन किया। इंशाल्लाह अनकरीब जल्द एक प्रोग्राम होगा, हम इन दोस्तों को भी बुलाएंगे और इस जमाने के सामने पेश करेंगे कि देखो हम कैसे मंशियात को शिकस्त देंगे। तो मंशियात को शिकस्त देने के लिए जो काम करने का तरीका है, वो सबसे पहले अवेयरनेस, आगाही, सिंधी में कहते हैं सुजागी, बलोची में कहते हैं जानकारी। क्या हमारे पास मालूमात है मंशियात से कैसे बचा जाए, या जिस घर में मंशियात का आदि है उस फैमिली को पता है कि इसको हम कैसे इससे छुटकारा दिलाएं? क्या उस मंशियात के आदि मरीज को पता है कि मैं अपना जान कैसे छुड़ाऊं इस बीमारी से? दरअसल मंशियात की लत को हम एक बीमारी समझते हैं, ये बीमारी इंसान के खून में शामिल हो जाती है, जिसके लिए इलाज और आगाही के रास्ते हैं। यही हमारा मकसद है, इसी मकसद को हम लेके आगे जा रहे हैं। हमें न किसी मंशियात फरोश से लड़ना है, न हमें वक्त के हुक्मरानों से गिला शिकवा करना है, हमने अपनी इसलाह करना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को ठीक करना है। एक घर ठीक होगा, एक मोहल्ला ठीक होगा, एक गांव ठीक होगा, यही हमारा रोल मॉडल होगा, यही हमारा फतेह होगा, यही इस जंग में फतेह हासिल करने का हमारा रास्ता होगा। क्योंकि मैंने अपने जिंदगी के तजुर्बात से यही सीखा है, और यही मेरा मकसद है, मंशियात के खिलाफ लड़ना, साइंटिस्ट तरीके से लड़ना, प्यार मोहब्बत इज्जत व एहतराम से लड़ना। क्योंकि हमारे इलाके में जो मंशियात बेचने वाले हैं, वो हमारे ही हैं, वो हमारे ही रिश्तेदार हैं, वो हमारे ही लड़के हैं। वो मंशियात के पहले आदि बन जाते हैं, फिर अपनी जरूरियत को पूरा करने के लिए वो जो व्हाइट कॉलर्स हैं, जो माफियाज हैं, बड़े ताकतवर हैं, जिनको गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, वो फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको निकालना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इनको हम जब नहीं निकालेंगे, तो यही बीमारी फैल के दूसरों को भी लगेगी, कोरोना की तरह। ये ऐसी बीमारी है जहां मंशियात का एक आदि मरीज मौजूद है, आप एक साल के बाद देखो वहां 100 से भी वो तादाद तजावज करेगा। लेकिन मैंने रिहेबिलेशन के अंदर एक और तजर्बा देखा है, वो तजर्बा ये है कि जिस भी इलाके में मैं एक बंदा रिकवर करके भेजता हूँ, वो नशा छोड़ के यहाँ से जाता है, खुदा की कसम वहां से 40 बंदे नशा छोड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं।
मतलब एक जरब दे रहा है 40 से, अबी वो 40 एक एक हो के हर जगह जाएगा, वो जरब देगा 40 से। यही हमारा तरीका है जंग करने का। आज आप सब सफीर हो, हमारा पैगाम अपने घर लेके जाओगे और वहां लेके जाओगे, आपके जहाँ गोठ है, आपका शहर है, आपका मोहल्ला है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को आगे लेके जाएं और अपने इलाके में अपने नौजवानों को जहां वो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको आमादा करें कि हर हफ्ते वाले दिन या जुम्मे वाले दिन अपने इलाके में एक मीटिंग रखें। उस मीटिंग में आप मंशियात फरोशों को ना बुलाएं, किसी को ना बुलाएं, ना मंशियात के आदि मरीज को बुलाएं, आप लोग खुद बैठे अपने आप को बचाने के लिए। आप वहाँ ये मीटिंग करोगे, बैठोगे वहाँ मीटिंग में, आपके इलाके के जितने भी लोग आपके मीटिंग में होंगे वो आपका सफीर बनके वो आपके मीटिंग का पैगाम घर घर पहुँचाएंगे। ये कुदरती अमल है, ये कुदरती अमल है, ये हर दौर के अंबियाओं का एक सुन्नत अमल है। यही मुआशरे के इस्लाह का एक बेहतरीन और मुस्बत तरीका है। ये चंद आगाही के लफ्ज कह के मैं अपनी जगह लूंगा और इसके बाद मैं इस कॉलेज के इंतजामिया, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का कि आपने अपना पढ़ाई लिखाई के बाद जो वक्त निकाल के यहाँ बैठे हो, इंशाल्लाह ताला ये तारीख में लिखा जाएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।